हेलो दोस्तों, दिस इज़ आर डी सिंह और आज हम लोग सीखने वाले किस तरीके से हम लोग जो है स्टॉप लॉस एंड टेक प्रॉफिट को जो है लगा सकते हैं जिस टाइम पे हम ट्रेड मारते हैं उसी टाइम पे। तो अगर अब तक आप लोगों ने अकाउंट नहीं बनाया तो इस लिंक पे क्लिक करके जो है आप लोग अकाउंट बना सकते हैं और ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा और कमेंट सेक्शन में भी मिल जाएगा। इस लिंक पे क्लिक करके जो है आप लोग अकाउंट बना सकते हैं और ये जो हम सीरीज़ बना रहे हैं इस सीरीज़ को एक्सेस करने के लिए इसकी प्लेलिस्ट एक बनाई गई है, तो फर्स्ट से लास्ट वीडियो तक देखने के लिए आप जो है इसको एक्सेस कर सकते हैं। अब कुछ क्वेश्चंस की बात कर लेते हैं जो क्वेश्चंस आए। जैसे राकेश भाई ने पूछा है, ज़ीरोधा में मूविंग एवरेजेस एन आर एस आई लगा सकते हैं? हाँ भाई, डेफिनेटली लगा सकते हो। लास्ट टू लास्ट वीडियो आप देखो तो आपको पता चलेगा किस तरीके से हम चार्ट ओपन कर सकते हैं और उस पर जो है अपने इंडिकेटर्स को लगा सकते हैं। अब इन्होंने एक और क्वेश्चन पूछा, वो पूछा है एन एस सी ने क्रॉस करेंसी पेयर्स अलाउड किए हैं? हाँ भाई, एन एस सी ने अलाउड कर रखे हैं। पहला क्वेश्चन आपका हो गया है। अब ज़ीरोधा की बात आ रही है, ज़ीरोधा पे वो सर्च क्यों नहीं हो रहे? बिकॉज ज़ीरोधा ने जो है इसको टेस्टिंग पे लेके गया हुआ है। एक साल से जो है इनकी कोई इंटरनल टेस्टिंग चल रही है, यही लोग जाने कि किस तरीके से ये टेस्ट कर रहे हैं, बट हाँ ये टेस्टिंग पे चल रहा है और कुछ मंथ्स के अंदर या कुछ दिनों के अंदर हो सकता है ये आपको ज़ीरोधा पे देखने को मिल जाए। तो ये आपका क्वेश्चन हो चुका है, थोड़ा टाइम वेट कीजिए, ज़ीरोधा पे हो जाएगा और एनएससी ने अलाउड कर दिया है। दोनों क्वेश्चंस के आंसर मैंने दे दिया है। आप सोनी जी ने पूछा है ज़ीरोधा में करेंसी अकाउंट कैसे ओपन करें? तो आपका जो इक्विटी अकाउंट होता है वो ही करेंसी अकाउंट होता है, तो जैसे ही आप इक्विटी अकाउंट ओपन करोगे तो साथ में ही जो है आपका करेंसी अकाउंट भी जो है ओपन हो जाएगा। अब चलते हैं अपने ओके, यहाँ पर एक और चीज़ रह गई है, बिकॉज मैं जो है डेली प्रॉफिट्स एंड लॉस को जो है करता लिख के रख लेता हूँ नोट करके। तो ये हमारी कल लॉस जितना हुआ था, ये था कल का लॉस, 350 रुपये का कल लॉस था हमारा। और यहाँ पर एक गलती मुझसे ये हो गई थी कि अपोलो टायर्स पे मैं कुछ काम कर रहा था तो मैं टीपी मारना भूल गया, तो इसने टीपी किया और मार्केट जो है टॉप से जो है टच होके वापस आ गई, तो यहाँ पर ये लॉस हुआ था। और रिलायंस पे मेरा एक लॉस हुआ था जो कि ये ऊपर जाना था, बिकॉज़ एक और बात इंटरडे में खेल रहे थे, तो ये चीज़ें जो है आपको आने वाले दिनों में अगर आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो तो आपके साथ भी ये चीज़ें होती होंगी, तो लॉस है, एक्सेप्ट किया हमने। तो कल 300 रुपये का हमारा लॉस था। अब जो है मेरा लास्ट आपने देखा होगा तो 10,900 कुछ रुपये मेरे पास थे, तो ये लॉस होने के बाद 500 593 के अराउंड मेरे पास बचा और कमीशन बहुत ज़्यादा कटा है। ये पता नहीं क्यों कटा है, इसकी कैलकुलेशन देखनी पड़ेगी मुझे, बट 300 रुपये की कमीशन मेरी लगी जबकि मैं 100 से ज़्यादा क्वांटिटी बाय नहीं करता। बाकी जो है इसको फिर कमीशन वाले टॉपिक को आने वाले दिनों में हम कवर करेंगे। बाकी ये मेरा लॉस था कल का, और आज का जो है चल रहा है अभी 370 रुपये, और जितना भी ये होगा तो ये जो है आपको कल या परसों जो भी वीडियो आएगी उसमें देखने को मिल जाएगा कितना मेरा प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं एस एल एन टी पी किस तरीके से हम लगा सकते हैं, तो कोई सस्ता सा पेयर देख लेते हैं। ओके, सस्ता सा तो येस बैंक है एक, ठीक है, इसको ओपन कर लेते हैं। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर वन बाय वन मैं दोबारा से जो लास्ट वीडियो में हमने देखा था एम आई एस के अंदर मार्केट में क्या होता है, देखो मार्केट कहाँ चल रही है, 51.30 रुपये पे। तो ये देखो मैंने बाय किया, कितने पे हुआ मेरा बाय, मार्केट में ये होता है इसलिए मैं जो है मना करता हूँ, 51.30 पे चल रहा था बट मेरा बाय कितना हुआ, 51.35 पे। ये गैप जो है ये फालतू का होता है, बट मार्केट जो है ये देखो 25 पे आ गई, जबकि मार्केट वहाँ तक चाहे गया ना हो लेकिन जो है ये आपका बाय कर देगा। इसलिए मैं कहता हूँ कभी भी जो है मार्केट में कभी भी बाय मत करो। चलो अब इसको क्लोज़ करना देखते हैं किस तरीके से हम जो है इसको क्लोज़ कर सकते हैं। यहाँ पर येस बैंक था, यहाँ पर दो ऑप्शन आते हैं एग्ज़िट मारने के। अब यहाँ पर देखो, जैसे ही आप पोजीशन में आओगे और यहाँ पर आने पे ऑप्शंस पे क्लिक करोगे, यहाँ पर जो है एग्ज़िट करोगे, उसके बाद देखो यहाँ पर मार्केट में अगर आप सेल करोगे तो अभी जहाँ पर भी मार्केट होगा वहीं पर जो है ये सेल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका देखते हैं, देखो 55 पे चल रहा है, मैंने सेल किया, कितने पे सेल हुआ, 51.50 पे सेल हुआ, 55 पे सेल नहीं होता। ये कमी है मार्केट में जब भी आप बाय या सेल करते हो। मैंने कितने पे सेल किया था, मैंने सेल किया 55 पे और ये सेल कहाँ हुआ, 51.50 पे सेल हुआ। तो इसलिए मैं कहता हूँ मार्केट में ना तो कभी बाय करो ना सेल करो। चलो अब अगला ऑप्शन देखते हैं। आपको ट्रेड काटने का पता चल गया होगा कि मार्केट में किस तरीके से हम जो है ट्रेड को काट सकते हैं। आ जाए येस बैंक फिर से, चलो फिर से जो है हम देखते हैं यहाँ पर। ओके, यहाँ पर लिमिट में आ जाते हैं। अब लिमिट में क्या होता है, देखो मार्केट अभी जहाँ पर भी चल रहा होगा, अभी दिखाता हूँ मैं कहाँ पर चल रहा है मार्केट। आ जा येस बैंक, खुल जा,
यस बैंक आ गया। देखो कहाँ चल रहा है, 50 पे। आप जो है इसको देखो 50 पे चल रहा है, ये 50 पे किया, बिल्कुल 50 पे ही बाय होगा, बिकॉज़ मैंने 50 सेट किया था। ये आपको ध्यान रखना है, लास्ट वीडियो में मैं दिखा नहीं पाया था, बट इस वीडियो में मैंने आपको दिखा दिया किस तरीके से आपको जो है करना है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है इसको टीपी किस तरीके से मारना है, टीपी भी हम इसी तरीके से मारते हैं। ये देखो अभी हमारा टॉपिक यही था कि टीपी किस तरीके से मारते हैं, लिमिट में आके जो है हमें यहाँ पर टीपी लगाना है, हमें कितने पे सेल करना है। अभी 50 पे चल रहा है, हम चाहते हैं टीपी हमेशा जो है ऊपर रहेगा, इस चीज़ का ध्यान रखना, जो भी आपका करेंट प्राइस होगा उससे ऊपर रहेगा। देखो अभी 50 पे चल रहा है, तो इसको मैं 55 सेट कर देता हूँ, जैसे ही ये 55 पे आएगा ये सेल हो जाएगा। अभी 50 पे चल रहा है, वेट करते हैं, अगर आता है तो ठीक है, अदरवाइज़ हम जो है इसको 50 पे ही लेके आ जाएंगे, बिकॉज़ करंट मार्केट 45 पे चल रही है। इसको देखो 55 पे आ गया, लेकिन 55 पे क्या होगा, अरे यार क्या हो गया, ये सेल क्यों नहीं हुआ 55 पे। ओके हो गया। यहाँ पर एक दिक्कत ये होती है कि जिस टाइम पे आप मार्केट में इसको बाय या सेल करते हो, उस टाइम पे जो है वहाँ पर बायर्स एंड सेलर्स अवेलेबल होने चाहिए। तो मार्केट में क्या होता है, जौन सा भी क्लोज प्राइस आपको मिलता है उस पे जो है आपकी ट्रेड क्लोज हो जाती है, बट अगर आप लिमिट में सेट करते हो तो लिमिट में क्या होता है, जब आप टीपी लगाते हो तो उसी प्राइस पे वो सेल होगा। अगर मार्केट जो है फॉर एग्जांपल के लिए मान के चलें यहाँ पर अभी रुका हुआ है 55 पे, अगर ये देखो मार्केट रुका हुआ है और यहाँ पर कोई सेल करने वाला नहीं है, कोई सेलर नहीं है, तो आपका जो है ये लॉट सेल नहीं होगा, ये जो है यहीं पर अटका रहेगा। तो जैसे ही ये ऊपर जाएगा तो आपका जो है 55 पे सेल हो जाएगा, बिकॉज़ उस टाइम पे तो जो है बायर्स एंड सेलर्स आ जाते हैं और उसके बाद ही मार्केट जो है ऊपर को मूव करता है। तो इस चीज़ का फ़ायदा और नुकसान दोनों है, नुकसान तो नहीं बोलूँगा, आपका जो है जो प्राइस है, बहुत रेयर केसेस होते हैं कि जो है जैसे फॉर एग्जांपल के लिए बहुत रेयर केस होगा, बिकॉज़ मेरा एक बार लॉस हो चुका है 0-0 पे। हमने जो है हमारा एक पेंडिंग ऑर्डर ट्रिगर होना था, जैसे फॉर एग्जांपल के लिए 50-0-0 पूरे 50 पे मान लो, तो मार्केट 50 तक ज़रूर आई, बट क्या हुआ, मार्केट 50 पे आने के बाद वहाँ पर शायद कोई सेल करने वाला नहीं था जिससे हम वो स्टॉक्स बाय कर सके, और जो है वो हमारा लॉस हो गया था, और एक बहुत बड़ा लॉस था वो, बिकॉज़ जो है उस जगह पर हम बाय नहीं कर पाए थे। तो ये हो जाता है, अब मार्केट तो 50 पे आई बट वहाँ पर जो है आपका बाय नहीं होगा अगर यहाँ पर कोई सेलर नहीं हुआ। तो इसी तरीके से अगर आप सेल में हो तो कोई बाय करने वाला अगर आपके अगेंस्ट में नहीं है तो आप सेल भी नहीं कर पाओगे। तो अब चलते हैं आगे, देखते हैं इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ओके हमने ये ट्रेड क्लोज़ कर दी है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा टीपी किस तरीके से लगाना है। टीपी हमेशा आपका ऊपर रहेगा जो भी आपका करंट प्राइस है। अब एसएल की बात करते हैं, तो सबसे पहले हम इसको बाय कर लेते हैं। अभी कहाँ पे चल रहा है, 45 पे चल रहा है ना, 45 50 पे चल रहा है, इसको बाय कर लेते हैं। ओके क्लोजिंग का टाइम भी हो रहा है, आधा घंटा से बच रहा है, इस ट्रेड से हमें बाहर निकलना चाहिए। चलो इस ट्रेड को मैं क्लोज़ करके दिखाता हूँ अभी आप लोगों को। ओके यहाँ पर कितने पे चल रहा है, 10 पे चल रहा है मार्केट, ठीक है। ये मैंने 10 पे ही सेल किया, तो ये देखो 10 पे ही होगा मार्केट, अभी 10 पे है लेकिन क्वांटिटी सेल नहीं हो रही, क्यों, बिकॉज़ जो है साथ में जो है कोई बाय या सेल करने वाला होना चाहिए। देखो मेरी कुछ क्वांटिटी सेल हो गई, मार्केट 10 पे ही है बट अभी भी सेल नहीं हो रही। अब देखो अब जाके धीरे 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 सेल होती है, और 72 का हमने लॉस बुक किया इसमें, ओवरऑल प्रॉफिट अभी हमारा 400 रुपये के अराउंड है आज का, कमीशन काटने के बाद ये 350 के अराउंड हो जाएगा, इससे कम नहीं जाने वाला। ओके चलिए अब यहाँ पर देखते हैं, मैंने आपको दिखा दिए किस तरीके से लाइव मार्केट में भी करते हैं, ये हमने देख लिया। अब हम देखेंगे एसएल किस तरीके से लगाते हैं, एसएल अब क्या होता है। अब यहाँ पर देखो जैसे कि अभी ये 70 पे चल रहा है एसएल, एक तो आपका एसएल जो है ट्रिगर प्राइस होता है, ये मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था, ट्रिगर प्राइस जो होता है ये आपका एसएल होता है, तो ये करंट प्राइस से हमेशा नीचे चलना चाहिए। तो करंट प्राइस अभी कितना चल रहा है, 51.70 चल रहा है, तो इसको 50-50 कर लेते हैं। देखो ये 50-50 अगर आप लगाओगे तो 50 पे आते के साथ ही ये 50 पे आपकी ट्रेड जो है क्लोज़ हो जाएगी। तो यहाँ पर ये जो है आप होल्डिंग्स में जाके इसको देख सकते हो, और ये भी अपन को क्लोज़ करना है, बिकॉज़ जो है मैंने 400 पे इसका टीपी मारा था, हो सकता है 400 पे जाए, हो नहीं सकता जाएगा, बट आज जाए ना जाए तो हमें जो है इंटरडे में क्लोज़ करनी थी ट्रेड, इसलिए मैंने कर दी वो वाली ट्रेड क्लोज़। अब देखो यहाँ पर मैंने कितने पे एसएल मारा है, 50 पे, ठीक है। अब यहाँ पर क्या होगा, अभी मार्केट कहाँ चल रहा है, 80 पे, तो इसको जो है ट्रेल भी हम कर सकते हैं, जैसे कि अब यहाँ पर मार्केट आ चुकी है 80 पे, तो अब हम इसको 70 पे लेके आ जाते हैं।
इस चीज़ का ध्यान रखना, प्राइस जो है आपका एसएल और ये जो है ये मारने नहीं देगा, बट अगर आप 70 और 75 करोगे तो ये करने दे देगा। इस चीज़ को जो है आप ध्यान रखो। ये देखो, तो इसने करने दे दिया हमें, और यहाँ पर हुआ क्या, यहाँ पर मैं दिखाता हूँ आपको क्या हुआ है। अभी आ जाइए, येस बैंक खुल जा। यहाँ पर क्या हुआ, मैंने 70 एसएल सेट किया और 70 के बाद जो है 75 पे जो है मैंने एसएल लगाया कि 75 पे वो ट्रिगर हो जाए। तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केट जैसे ही 75 पे आई, 70 पे आई, तो उसका जो है 75 वाला जो है ट्रिगर हो गया, तो जो है 75 पे जो है आपका क्लोज़ हो जाएगा। बाकी जो है मैं तो यही करता हूँ ज़्यादातर, जैसे कि अब फिर से हम एक बार बाय कर लेते हैं इसको, और मैं दिखाता हूँ आपको एसएल लगाने का सबसे सिंपल तरीका क्या है। अभी हो जा बाय, तभी मैं दिखा पाऊँगा। ओके, नहीं हो रही है क्योंकि 85 पे मार्केट चला गया है। कोई नहीं, दोबारा से हम इसको मॉडिफाई कर लेते हैं। 90 पे चल रहा है मार्केट, 90 पे बाय हो जाएगा, 85 पे आ चुका है मार्केट। ओके, यस बैंक ने एक क्वांटिटी बाय कर ली है, ठीक है। यहाँ पर अब देखो क्या करना है हमें, एसएल लगाने का तरीका मैं बता रहा हूँ। एसएल सिंपल सा आप दोनों जो है सेम रख दो, दोनों जो है सेम रख दो। इसमें जो है ये इससे ऊपर रहना चाहिए और ये नीचे रहना चाहिए। इतना कंफ्यूज मत होना, बिकॉज मैं ज़्यादातर क्या ही करता हूँ, जैसे अब ये 51 पे मुझे एसएल मारना है तो ये 51 सेट कर दो, तो ये 51 पे जैसे ही मार्केट आएगी तब आपका जो है ट्रिगर एग्जीक्यूट हो जाएगा। सिंपल सा काम है। इसके बाद अब देख लेते हैं एसएल एट मार्केट प्राइस क्या होता है। ये मैंने लास्ट वीडियो में भी आप लोगों को बताया था, तो इसको जो है दोबारा हम देखते हैं एक बार। इसमें क्या होता है, जैसे ही मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दिया था ना कि मार्केट जो है जैसे ही 0-0 पे, मैंने अभी बताया ना, एक बार मेरे साथ हो गया था कि 0-0 पे मार्केट आई, बट मेरा जो है वहाँ पर कोई सेल करने वाला, तो मैं बता रहा था कि मैं जो है क्वांटिटी बाय करने को नहीं मिल पाई थी। बट अगर ये मार्केट में ऑर्डर लगा होता तो उस टाइम पे क्या होता, जून था भी क्लोजेस्ट रहता जैसे 50.10, तो वहाँ पर जो है ये बाय हो जाता। तो इसी तरीके से जो है सेल एट मार्केट में भी यही होता है, जैसे ही मार्केट 50 पे आएगी, जैसे ही मार्केट 50 पे, अगर फॉर एग्जांपल के लिए हमने 50 को एसएल माना है, तो जैसे ही मार्केट 50 पे आएगी, 50 पे आने के बाद क्या होगा, जोन सा भी यहाँ पर, ये देखो ये ऑर्डर बुक होती है, यहाँ पर जोन सा भी क्लोज में रहेगा, जोन सा भी बंदा क्लोज में होगा। जैसे 50 पे आई और यहाँ पर क्लोज में चल रहा है कोई बंदा, 50.10 पे कोई बंदा सेल कर रहा है या बाय कर रहा है, अगर हमने यहाँ पर एसएल मारा है तो सामने जो है कोई ख़रीदने वाला होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कोई बंदा है जो यहाँ पर इसको ख़रीद रहा है, तो जोन सी भी क्वांटिटी आपकी पास में होगी वहाँ पर जो है आपका ट्रेड एग्जीक्यूट हो जाएगा। आपका पूरा 50 पे नहीं होगा, हमेशा जो है फ़र्क आएगा। इसलिए जो है मैं मार्केट पे ना तो बाय करने की सलाह देता हूँ ना सेल करने की सलाह देता हूँ, बिकॉज ज़्यादातर केसेस में यही होता है, जब भी आप स्टॉप लॉस एट मार्केट पे करोगे तो आपने 50 सेट किया होगा तो आपका जो है एसएल नीचे जाके लगेगा। जैसे आपने 50 सेट किया, और जो बंदे फॉरेक्स करते हैं उनके लिए स्लिपेज, अगर आप लोगों ने सुना होगा तो ये स्लिपेज का काम करता है। अगर आप स्टॉप लॉस एट मार्केट प्राइस लगाते हो तो ये जो है आपका स्लिपेज का काम करता है। तो अगर आपने फॉर एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखते हैं, देखो 60 पे मैंने सेट किया, यहाँ पर अभी ये देखो 60 पे सेट किया, कितने पे सेल हुआ देखते हैं। बहुत केसेस में होता है कि एग्जैक्ट प्राइस पे हो जाएगा, देखो अभी 60 पे हो गया, बट यहाँ पर जो है अगर थोड़ी सी लंबी कैंडल बनी होती तो ये जो है हो सकता है नीचे जाके सेल होता, 55 पे सेल होता। बट हमने सेल कितने पे किया था, हमने सेल किया था 60 पे, तो ये गड़बड़ थोड़ी सी हो जाती है। इसलिए मैं जो है बोलता हूँ कि इसको यूज़ ना करें, ये दो जो ऑप्शंस है, सेल एट मार्केट और मार्केट पे ना बाय करें ना सेल करें। इसी तरीके से हम जो है इसको सेल भी कर सकते हैं। ये देखो यहाँ से मार्केट पे हम सेल करके दोबारा से मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। ये देखो यहाँ से मैंने इसको सेल किया, उसके बाद जो है सेम, पहले हमने सेल किया था तो अब जो है हम इसको बाय कर सकते हैं। और सेल में आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप CNC में जो है सेल नहीं कर सकते, सिर्फ जो है MIS के अंदर सेल कर सकते हो, या फिर जो है फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस के अंदर आप लॉन्ग टर्म में पोजीशन को होल्ड कर सकते हो। अदरवाइज जो है MIS के अंदर ही जो है ये सेल का ऑप्शन होता है, उसके अलावा जो है आपके पास ये सेल का ऑप्शन नहीं होता है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है CNC में। अगर आप देखना भी चाहो, मैं अभी आपको दिखाता हूँ, इसको क्लोज़ करते हैं सबसे पहले। तो अब हमने सेल किया है तो हमें बाय करना होगा, तो बाय कहाँ करना है, मार्केट में ही अगर हम बाय करेंगे, देखो 55 पे चल रहा है अभी प्राइस, 55 पे है, कहाँ बाय हुआ, 60 पे बाय हुआ, जबकि होना कितने पे चाहिए था,
55 पे, बिकॉज उस टाइम पे प्राइस कहाँ चल रहा था, 55 पे, बिकॉज हमने सेल किया हुआ है, तो अगर ये 60 पे हुआ तो हमें नुकसान हुआ है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो इसलिए जो है कभी भी यार मार्केट में ना तो सेल करो ना बाय करो, मैं बार बार यही चीज़ आपको करके भी दिखा रहा हूँ कि ये देखो 55 पे एसएल लगा रहा हूँ तो 60 पे, तो 5 पैसे का हमें नुकसान हुआ। यही क्वांटिटी अगर 1000 होती तो हमें सीधा सीधा 50 रुपये का नुकसान हो जाता। तो ये जो है जिस तरीके से लॉट बढ़ते जाते हैं तो वो जो है काफ़ी दिक्कत दे जाता है, बिकॉज 20-20, 30-30 पैसे का भी जो है गैप आ जाता है मार्केट में। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो आप CNC देखते हैं, CNC में क्या हम सेल कर सकते हैं इसको, नहीं कर सकते, बिकॉज जो है अलाउड नहीं होता, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो ये देखो ये इसने एरर भी दे दिया। तो अगर हमें सेल करना है तो सिर्फ हम जो है MIS में कर सकते हैं, लिमिट में फिर से वही आ जाता है कि प्राइस क्या चल रहा है, प्राइस हमें लोगों को देखना पड़ेगा, प्राइस क्या चल रहा है, 60 पे चल रहा है अभी 60, तो 60 हम सेट कर सकते हैं, 55 सेट कर सकते हैं, तो ये 55 पे बिल्कुल जो है सेल हो जाएगा। सेम तरीका ही है, कुछ भी अलग नहीं है, बस पहले हम बाय कर रहे थे अब हम सेल करेंगे। और मार्केट को किस तरीके से क्लोज कर सकते हैं, जो पेंडिंग ऑर्डर्स आपके हैं आपको जो है उसका भी ध्यान रखना है, इसको जो है आपको क्लोज कर देना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। ये देखो हमारी ट्रेड पहले वाली एग्जीक्यूट हो चुकी है, जो हमने 51.55 पे लगाई थी। अब इसको किस तरीके से हम जो है क्लोज कर सकते हैं, ये देखो सेम है, अभी हमने 55 पे बाई किया था, अब हम इसको 50 पे, सॉरी हमने 55 पे सेल किया था 51.55 पे, अब हम इसको 51.50 पे बाय करना चाहते हैं। तो ये आपका जो है ऑर्डर बुक में अगर आप जाके देखोगे तो ये ऑर्डर आपका लग चुका होगा। यहाँ से जो है आप क्वांटिटी भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि आपने थोड़ा सा और क्वांटिटी यहाँ पर सेल कर दी, फॉर एग्जांपल के लिए आपने एक क्वांटिटी और सेल कर दी मार्केट के अंदर, ये दोबारा यहीं पर मान लो यहाँ सेल कर दी, अभी ये एग्जीक्यूट नहीं हुई है, तो जैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगी तो ये आपकी जो है पोजीशन के अंदर शो हो जाएगी, यहाँ पर एक क्वांटिटी आ रही है फिर दो आ जाएगी। तो उसके बाद जो है हम इसको एडिट करके यहाँ पर दो कर सकते हैं, ये देखो दो ऑर्डर्स हमारे लग चुके हैं, जैसे कि मैंने ये दिखाया, ये देखो ये दो ऑर्डर्स हमारे लग चुके हैं। अब इसी को हम एडिट कर सकते हैं, यहाँ पर जाके दो क्वांटिटी सिलेक्ट कर दो तो ये ही मॉडिफाई हो चुका है, अब जैसे ही ये 50 पे आएगा तो ये दोनों जो है सेल हो जाएंगे। और यहाँ पर जो है आप साथ में इसके SL भी लगाना चाहते हो, अब हमने ये देखो सेल के लिए तो TP ये हो गया बाय, अब यहाँ पर हम SL भी अगर लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर जो है आपको SL का एक अलग ऑर्डर सेट करना पड़ेगा, यहाँ पर जो है आपको मल्टीपल ऑर्डर्स जो है अलग अलग सेट करने पड़ेंगे, अदरवाइज जो है आप ब्रैकेट ऑर्डर का यूज़ कर सकते हो। ये देखो अब आपका SL और TP दोनों लग चुके हैं, SL कहाँ पर लगा है 51.50 पे, TP कितने पे मारा है हमने, TP मारा है 51.50 पे और SL मारा है 51.90 पे। ये SL TP दोनों मैंने लगाने बता दी किस तरीके से हम लगा सकते हैं, और इसी तरीके से जो है हम बाय में भी लगा सकते हैं कि यहाँ पर जो है आप मार्केट में, फिर से मैं दोबारा से क्लोज करके ये वाला पूरा समझा देता हूँ, ये देखो ये पेंडिंग ऑर्डर्स मैं दोबारा से कैंसिल कर देता हूँ और दोबारा से दोनों चीज़ें समझा देता हूँ कि क्या करना है। यहाँ पर जो है पहले आपको TP सेट करना है, सबसे पहला काम आपको होना चाहिए आपको TP सेट करना है। TP कहाँ सेट करोगे, आप TP सेट करोगे अगर आपने बाय किया है तो आपका जो है करंट प्राइस से ऊपर रहेगा, और अगर आपने सेल किया है तो करंट प्राइस से नीचे TP आपका रहेगा। तो अभी हमने ये TP सेट कर दिया, ठीक है, ये हमारा TP लग चुका है, इसको ऑर्डर बुक के अंदर हम जाके देख सकते हैं। अब हमें SL मारना है, SL मारने के लिए हमें क्या करना है, एग्जिट में आना है, यहाँ पर SL सेट करना है, और SL कितने पे लगाना है, SL हम 70 पे लगा देते हैं, इस बार हम छोटा कर लेते हैं SL, अब हमने 70 पे लगा दिया। तो ये देखो SL TP दोनों लग चुके हैं, इस तरीके से जो है हम SL TP को लगा सकते हैं, सिंपल सा काम है, कोई ज़्यादा मुश्किल काम नहीं है, बहुत इजी काम है ये। तो आई होप आपको समझ में आया होगा, और भी अगर आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है स्टॉक मार्केट से रिलेटेड तो आप जो है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, तो आने वाले दिनों में जो है मैं उस टॉपिक को कवर कर दूंगा। जैसे कि अभी डेमो अकाउंट पे पूछा था मुझसे कि डेमो अकाउंट किस तरीके से बना सकते हैं हम जो है स्टॉक मार्केट के लिए, तो वो उसका सॉल्यूशन मुझे मिल गया है, तो आने वाले दिनों में उसको भी जो है मैं एक सेपरेट वीडियो में कवर करूँगा। और जैसे ये कुछ क्वेश्चन पूछे थे, ऐसे ही आपके माइंड में भी कुछ क्वेश्चन है तो वो भी जो है आप लोग मुझसे पूछ सकते हो, तो आने वाले दिनों में जो है मैं उन कमेंट्स को जो है अगर कुछ सेकंड्स का आंसर हुआ तो जो है ऐसे ही बता दूंगा, और अगर उसके लिए सेपरेट वीडियो मुझे बनानी पड़ी तो वो भी जो है मैं आप लोगों के लिए बना दूंगा। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।